उलाड़ बेन वे आ चेक करो। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार देखिए बेबी जू में आया हूँ, ठीक है। तो आते सार अपने सारे पिजन निकाल लिया, ठीक है। तो उस सामने देख रहा हमें एक बच्चा, ठीक है, व्लॉग बनाते हुए सारे पिजन निकालने में निकालते सारे धूप सी अपने, क्योंकि तो छाँव बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनको आज फ्लाइंग भी कराएंगे, व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। अब इनको डाते हैं, पर बूढ़े बूढ़े आ गए इनके। ऐ चेक करो। कितने कितने वाड़ गए जाओगे, वो इनके ऊपर बैठ गए, ये कचरा है इसके ऊपर, मैं जाऊँगा तो कपड़े गंदे हो जाने मेरे, ठीक है। तो ऐ सारे लैन वाइज इनको उड़ा रहा हूँ मैं, उड़े देंगे अब बाहर, तो सब मुकम्मल आ गए। कुछ पकड़ के फेंकना पड़ता है इनको, आइयो कुछ करता है। ये देखिए ये रहा पिजन, और इसको ये उड़ाया, ये वो बह गए जाओगे। ये भी लगते हैं, ये सही नहीं उड़ते हैं, बाकी जो है ना वो फुल फ्लाइंग कर, वो तो ऊपर भी जाते हैं। एक हमारा आपको पता है भाग गया, उसको मैंने उड़ाया था, फ्लाइंग कराने लगा था, वो गायब हो गया। तो ये विंडो के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको फटाफट अब उड़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, उड़ो के तो कुछ होना। ये देखें ये आए हाय हाय, ये सारे पर पूरे पूरे आ गए, पर ऊपर जाते ही नहीं भाई, इतनी इतनी फ्लाइंग करते हैं, इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए। तो ओए उड़ो उड़ो फटाफट उड़ो, आज खुद भी इनका दिल करता है, पर लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नहीं उठते। ये सही है हमारा, एक दिन ये इसको उड़ पा की करना, इसको खुद फेंकता हूँ ऊपर। ये चक्कर फ्लाइंग कर सारे हमारे पास, नऊ रह गए, एक आपको पता है हमारा भाग गया, ठीक है। तो इस वजह से अभी मिट्टी भी सीधी कराने वाली है, क्योंकि ये बहुत ऊंची मिट्टी है, इधर चलने से ना पाँव गंदे हो जाते हैं। तब इनको उठाता हूँ ऊपर, फिर दिखाता हूँ आपको। गहरा पता नहीं क्यों दे रहे इनके लिए अंदर, आपको पता जगह भी हमने बनाई हुई है, पता नहीं क्यों नहीं अंडे दे रहे। इनको तो देने चाहिए, इतनी देर हो गई इनको, तो हो सकता है बहुत जल्दी ये दे भी देंगे, ठीक है। सारे मिट्टी के ऊपर बैठ गए, इतने प्यारे लग रहे हैं, वाइट वाइट, क्योंकि हम एक बार गाँव गए थे तो उन्होंने ना अपनी मतलब जगह के अंदर ऐसे ही तो मिट्टी के ऊपर छोड़े थे, वो खा रहे थे गंद, वो बड़े प्यारे लग रहे थे। ये भी आज वैसे ही माहौल लग रहा है मुझे, ये चेक करें। अब और भी ज़्यादा हो ना फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, ये बच्चे दे हाँ तो ही बच्चे के अंदर दे बच्चे इन्होंने यार ऐसे करते रहना, ठीक है। तो ऊपर तो ये जा नहीं रहा, छोटी छोटी फ्लाइंग करते हैं, हथू ऐसे रुड़ गए तो उसे रुड़ गए। तो हमारे रैबिट भी सारे पता नहीं किधर गायब हुए हैं, और अंदर चलते हैं फटाफट देखते हैं अंडे कितने आए हैं। इनको रहने देते हैं, इन्होंने नहीं उठना, ये बिस्ती कराने के लिए आए हैं बस। आपको दिखाते हैं, वो तीन अंडे आ गए माशाल्लाह, दो डक्स थे और एक सील था, ये मैंने देखे मैं आपको दिखाने लगा था, और आज इन्होंने देने हैं अभी अंडे, देखो कितने दे दिए। तो ब्लैक सील मुड़ी भी हमारे अंडे दे रही है, बहुत जल्द उसने कूड़ा को हो जाना है बहुत जल्द, और उसके बड़े प्यारे बच्चे निकलवाने हमने, उसके अंडे मैं घर जो रहा हूँ, ठीक है। ताकि ये पता नहीं हमारी किधर गायब हो गया, ठीक है, उसके मैं अंडे जो रहा हूँ, मैं घर फूल उसके अंडे जोड़े हैं, बस जल्दी में कूड़ा को होगी ना उस दिन उसको अंडों पर बिठा देना हमने, ठीक है। तो वो अंदर है बल्कि ब्लैक मुर्गी, आज भी इसने अंडा देना पता नहीं क्यों दिया, वो तो कल का इसका पड़ा हुआ, आज दो फटाफट अभी देना है इसने, वैसे इसके ना इरादे लग रहे हैं मुझे, फटाफट अभी अंडा देना है एक बार, तो फिर हम जो है ना इसके अंडे जोड़े हैं आ गई। अब जब कूड़ा को होगी ना तब इसको अंडा पर बिठा देना, प्यारे प्यारे बच्चे मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इस बार अब आपने मुझे कमेंट बताना है कि मैं डक्स के अंडे इसके नीचे रखूँ या फिर इसके अंडे रखूँ, क्योंकि डक्स के भी ये छः हैं और इसके भी छः हैं, बारह अंडे टोटल ना, तो अब छः छः तो ना रख सकता, रखने तो बारह ही है ना, तो दोनों के रखेंगे ना, तो फिर ये होगा कि मिक्स बच्चे निकल आएंगे, डक्स के 40 दिन बाहर निकलते हैं उसके। यार ये एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि अब हम, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि हम सारे डक्स के अंडे रखें या फिर असील के भी अंडे रखें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किसके रखें। अब मिक्स रखेंगे तो फिर डक्स के 40 दिन बाहर निकलता बच्चा और उसका 21 दिन बाहर निकलता, तो फिर ऐसे ही अलग अलग करके निकलेंगे। बस आपने कमेंट में बताना है कि हम क्या करें, ठीक है। तो समझ तो कुछ नहीं आ रही अभी फिलहाल हमें कि हम डक्स के सारे रखें या फिर उसके सारे रखें, इतने हमारे दोनों के ना आधे आधे हैं, तो आधे रखेंगे तो फिर सील निकल आएंगी, अगर आधे निकलेंगे तो डक्स के निकल आएंगे, इसलिए अब दोनों रखेंगे तो फिर देर लगती है, फिर मुर्गी पला क्या करती है अंडे खराब कर देती है, जो देखे ना पहले वाले अंडे खराब कर देती है। तो इस वजह से फिर अभी तो कोई समझ नहीं आ रही, चलो जिस दिन कूड़ा को होगी वो आपको मैं फिर बताऊँगा, पर फिर भी आप कमेंट में हमें बता दें कि अब हम डक्स के बच्चे निकलवाएँ या फिर सील के, ठीक है। आपने लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो पिजन भी हवा भी आ गई है, तो
इन ताला आ गया, इसने अंडा देना है। अब ये ना दरवाजे खड़े होके लग गया क्वें 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 करने, तो अब इसको फटाफट अंदर बंद करते हैं, इसका टाइम हो गया। ये पिंजरे में अंडा दे दिया, ठीक है, तो पिजन को भी ये बंद करते हैं फटाफट, ठीक है। एनू पहले चुकी है ना, इसको अंदर करें ताकि फटाफट ये दे अंडा, तो फिर इसको बनाए कुड़क कुड़क होना फटाफट, तो ठीक है ना। अभी तेरे सोने सोने बच्चे कटवा, अच्छा ये क्या तोड़े पकड़े हैं, ये हमने पकड़ लिए, ठीक है। ये पकड़िए, इसको बना दीजिए दो पैर। ये छोड़ दी, वो लाड़ पे वे इसको यार, अच्छा 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 ये अंडे ना तोड़ दे, कहीं वो जो नहीं है, अच्छा मैं तेरे को करना बंद चार होंगे, ठीक है। तो इसको वैसे ही छोड़ते हैं, क्यों मुर्गा इसको मार रहा था, अगर ये खुली होती बाहर उसको बाहर कर दे, ठीक है। तो चलते हैं बाहर, इनको बंद करें अपने सारे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ फिर आगे ब्लॉग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।